मॉर्निंग, कैसे आप सब आए हो? अच्छे ही होंगे। चले करते हैं दिन की शुरुआत। और आज मैं दिन की शुरुआत हो चुकी है मेरे गर्म पानी के साथ, और कीवी जा चुका है स्कूल, क्योंकि कीवी हो गया था लेट, मैं वीडियो बना ही नहीं पाई, तो मैं उसको कोई स्कूल छोड़ के आई हूँ। बस अब चलती हूँ किचन में, क्योंकि मैंने कीवी का ब्रेकफास्ट नहीं बनाया। अभी के लिए बनेगा पनीर, पनीर की सब्जी। बोल के गए, मेरे को लगा था कि पराठा बना दूंगी, लेकिन बोल के गए मम्मा मुझे सब्जी खानी है। ग्रेवी रेडी हो रही है उसकी, पनीर की सब्जी बनेगी इसकी। बस फटाफट से बना के इसका लंच दियाऊंगी मैं, क्योंकि पास में तो है। हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। और आज देखिए आज लंच में क्या बना है। आज लंच में बनाऊंगी मैं साग मक्का की रोटी, क्योंकि इंजीनियर साहब जा रहे हैं अयोध्या, तो मैंने सोचा कि उनके पसंद का उनको खाना खिला के भेजती हूँ, तो खुश हो जाएंगे। मैंने फ़ोन किया था उन्हें कि बताइए कि लंच कैसे भिजवाना है, क्योंकि मक्का की रोटी तो ख़राब हो जाएगी ना वहाँ पे जाने में। मैंने उन्हें बोला कि आप यहाँ पे आ जाइए और यहाँ पे खा लेना लंच, यहाँ पे लंच कर लेना। पता नहीं वो यहाँ पे आएंगे नहीं आएंगे, या मुझे वहीं भिजवाना पड़ेगा, वो तो देखते हैं अभी। फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। कीवी आ गया स्कूल से, और कीवी की नानी ने ला रखी है उसके लिए चॉकलेट, क्योंकि आज है चॉकलेट डे, तो कीवी के लिए चॉकलेट निकालते हैं अभी फ्रिज में से। हैप्पी चॉकलेट डे। थैंक यू मम्मा। ओए, आपने तो खा ली प्रीशा, आपके लिए खाना ला रही हूँ मैं, ठीक है? ओ गुच्छो गुच्छो कू कर रहे हो भाई। ओए चल, प्रीशा के लिए भी ला रही हूँ, चुप हो जा। कीवी प्रीशा को भी दे दे थोड़ी सी, ठीक है? नानी को थैंक यू बोलना, ठीक है? नानी लेके आई है आपके लिए। और ये, अरे भगवान, ये क्या कर रखा है सिर में, इतना कोकोनट ऑयल क्यों लगा रखा है ये? अरे बावले, ये इतना लगाते हैं क्या सिर में? गाइस देख रहे हैं क्या कर रहा है, कोकोनट डाल की पूरी बोतल ही उड़ेल लिया सिर पे। क्योंकि थोड़ी सी प्रीशा को भी दे दे। आज चॉकलेट, मेरी बात सुनो, आज ना चॉकलेट डे है, तो आज सबको ना चॉकलेट खिलाते हैं अपने हाथ से, तो अपनी बहन को भी खिला दो थोड़ी सी। मैं आपके लिए और लेके आऊंगी, ट्यूशन जाएंगे ना, मैं आपको एक चॉकलेट, ये तो नानी ने दिलाई है, मैं भी दिलाऊंगी आपको आज चॉकलेट, ठीक है? आधी दे दो उसको भी। देखिए मेरा लंच रेडी है, मेरे बन गए साग मक्का की रोटी। ये मैं सेक रही हूँ, इधर मैं पचा रही हूँ, इधर सेक रही हूँ, क्योंकि पापा को खाना खाना है। जिन्हें गेहूँ की रोटी खानी थी वो उन्होंने गेहूँ की रोटी खा ली है, अब जिन्हें मक्का की रोटी खानी है वो रह गए हैं। और ये मैंने बना लिया साग, देखिए बहुत टेस्टी बना है साग। और लड्डू के डैडी को फ़ोन किया था, उनको कुछ आता पता ही नहीं है, पता नहीं खाना खाएंगे नहीं खाएंगे, जिम गए हैं क्या कर रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा मुझे तो, पता नहीं क्या। फ़ोन भी कर रही हूँ तो बहुत बोल रहे हैं कि अभी बताता हूँ, वही बताता हूँ। कोई गल नहीं, जब कहेंगे ना जब ही सेक दूंगी उनकी रोटी। फिलहाल पापा जी को दियाती हूँ और अपने आप कर लेती हूँ लंच, मम्मी को दियाती हूँ। भाई ने तो कर लिया है, भाई ने नॉर्मल रोटी खाई है, भाभी ने भी नॉर्मल रोटी खाई है, तो हम खाएंगे मक्का की रोटी। चलते हैं पापा जी का खाना लेने लेके ऊपर। ये देखो कहाँ खाएंगे पापा जी खाना, तीसरी मंजिल में, चौथी मंजिल पे खाना खाएंगे। चलो पापा जी खाना। हैप्पी फूल डे। थैंक यू। थैंक यू। और चलते हैं घर पे, कीवी का ट्यूशन का टाइम हो गया था, ठीक है? कीवी को मैं ट्यूशन छोड़ी आई हूँ, इंजीनियर साहब का लंच ले लिया है मैंने, उन्होंने बोला कि घर पे ही आ जाना, क्योंकि आज वो जा रहे हैं अयोध्या, तो शायद कुछ काम होगा मुझसे, पैकिंग वगैरह थोड़ा बहुत कमी रह गई होगी, वो पूरी करवानी होगी, तो इसलिए चल रही हूँ, जा रही हूँ मैं घर पे उनका लंच लेके। और वो जिम में गए हुए हैं, बस जिम से आएंगे, आने ही वाले होंगे, उन्होंने कॉल कर दी थी मुझे। चलो जी चलते हैं, मिलते हैं इंजीनियर साहब से। मम्मी नमस्ते, और कैसे तबीयत है आपकी? ठीक है। बढ़िया, आप सुनाओ कैसे जाड्डा मान रहे हैं? अब तो जाड्डा जान लग रहा है। हाँ जी, क्या हाल चाल है आपके? बढ़िया, तुम बताओ? आपने तो मेरा एक पैर उधर का रखा है, एक पैर यहाँ का रखा। बस ज्यादा मत बोलो। नजदीक होना भी गलत है ज्यादा? अरे नहीं, ठीक है, अपना दोनों तरफ का निपट जाएगा। इसको 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 ऐसा लग रहा था कि ज्यादा नजदीक है, मतलब मैं अगर दूर होती तो कम से कम दो चार दिन शांति से रहता लेती, ठीक है? कोई बात नहीं, इसको दूर लेके दूंगा, अभी दूरी मकान लेना है अभी।
अब सोच रखा है मम्मी, देखो आते सुनान लग गए ना, सोच रखा है इतनी दूर मकान लेना। देख लो, देखिए गाइस, मैं इसलिए नहीं आती, जब भी आती ना, जब भी सुनाने लग जाते, पहले मैं बैठी हुई नहीं, सुनाने लग गए पहले इन्होंने पहले ये भगवान क्या जुलूम है। चलिए स्टार्ट इसने करा गाइस, स्टार्ट इसने करा है, बोला है कि पास होने के फायदे और नुकसान बताने लगे। इन्होंने अपनी स्क्रिप्ट पहले तैयार कर दी। हो गई पैकिंग वगैरह? हो गई कुछ नहीं हुआ, अभी अभी ऑफिस का काम करूंगा, उसके बाद लास्ट के दो घंटे पैकिंग करूंगा, एक घंटा फिर निकलूंगा। हमें भी ले चलो अयोध्या, क्यों नहीं। चलेंगे अगले महीने। और यहाँ पे इतनी सारी वार्तालाप हुई लेकिन हमने शूट नहीं करी क्योंकि वो शूट करने लायक नहीं थी। समझ रहे हो, समझ रहे हो, समझ रहे हो ना, कोई किसी पे ब्लेम कर रहा, कोई किसी पे ब्लेम कर रहा, कोई मुझ पे, कोई इन पे, कोई इन पे, सब एक दूसरे पे तीर छोड़ने में लगे हुए थे। कोई किसी पे तीर छोड़ रहा था, कोई किसी पे तीर छोड़ रहा था, सब एक दूसरे पे तीर छोड़ने पे लगे हुए थे। मजा आ गया लेकिन आगे ना इतनी गॉसिप मिल गई देखने को। और ये कर रहे लंच, मक्का की रोटी चने के साथ, खा लो भैया बड़ा स्वाद। ये तो सेंटेंस बन गया। ध्यान से जाना ठीक है, कब आओगे? आऊंगा शाम को जाने से पहले। क्या पैसे वैसे देने आओगे क्या मुझे? दस पाँच हजार रुपए देने आओगे क्या? बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा है। चॉकलेट चाहिए, वो मिल्क वाली चॉकलेट चाहिए या फिर नॉर्मल चॉकलेट चाहिए? वैसे मैं चॉकलेट खाती नहीं हूँ, जो उनसे मन करे दे दो। और गाइस मांगने से मिल रही है मुझे चॉकलेट, ये देखिए आप। ये दर्शक हैं, देख रहे हैं अभी। ये तो मैं बिल्कुल भी नहीं खाऊंगी। अरे हाँ, ये एक बार को खा सकते हो। मुंह खोलो मैं ऐसे डालूं। ये देखिए चॉकलेट डे बना रहे हैं 5 बजे सुबह से, तो इन्हें याद नहीं आया, अब याद आया है बोलने से। हैप्पी चॉकलेट डे। बात कमजोर हो गए इसके। इसने घंटे नहीं चुके। सही बात बोल ली, नहीं बोलनी मैंने। अरे क्या हो रहा है, अश्लीलता नहीं है? अरे बाबू, हमारी फैमिली भी ऐसे पीके तो क्या नाचो मैं? अरे छोरी प्रीशा को भी खिलाओ भाई, कैसी लगी? अब प्रीशा की बारी है, कैसी लगी? अच्छा लगा, आपने मुझे डेयरी मिल्क की चॉकलेट दी, आपकी फीलिंग्स को मैं समझ सकती हूँ। गजब बेइज्जती है। ये हमारी भाभी ना अपने घर से आई है चॉकलेट के लिए, अरे वहीं खरीद के खा लेते, भाई से ही ले ली थी। कैमरा अंदर आ जाए, देख लो। हैप्पी चॉकलेट लड्डू गोभी, कुछ मीठा हो जाए। लड्डू गोभी, ये देखो हमारे जीजू शर्माते हुए, ये देखिए ये क्या हो रहा है। हैप्पी चॉकलेट डे, बस इतनी इतनी सारा इतनी सारा भाभी दे रही। देखो आशीर्वाद दे रहे हो क्या दोनों हाथों से? आशीर्वाद ले लो। प्रीशा, प्रीशा गिर जाओगी, गिर जाओगी बेटू। हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग, हो गया शाम का टाइम और चाय हमने पी ली है, चाय नाश्ता हो गया है, चाय बिस्किट वगैरह हमने सबने ले लिए है। और मैंने किया था इंजीनियर साहब को फोन कि क्या लेके जाओगे, क्योंकि आज वो जा रहे हैं अयोध्या, तो मैंने उनसे बोला कि आप खाने में क्या लेके जाओगे। उन्होंने बिल्कुल कर दिया मना कि मुझे कुछ भी नहीं लेके जाना, मेरे को ऐसे ही जाना है। लेकिन मेरे पापा माने नहीं है, बोल रहे हैं कि नहीं, कुछ पापा तो बोल रहे थे कि उनके लिए आलू गोभी मटर की सब्जी बनाओ और पूरी पैक कर दे ये वो, क्योंकि फिर मैंने बोला पापा ये सब वो नहीं खाते हैं, कभी कभार का तो चल जाता है लेकिन ऐसे पैक करके वो नहीं खाएंगे। फिर मैंने फ़ोन किया, उन्होंने मना कर दिया कि नहीं मुझे कुछ भी नहीं खाना है, लेकिन फिर भी मैं भी नहीं मानी और फिर मेरे पापा भी नहीं माने, तो फिर मैं उनके लिए बना देती पनीर के पराठे, 3-4 पराठे बना देती हूँ पनीर के, क्योंकि बहुत लंबा सफ़र है, रात को जाएंगे तो भूख तो लगेगी। उन्होंने बोला है कि मैं जब जाऊँगा तो तुमसे मिल के जाऊँगा, तो वो शायद 9-9:30 बजे के आसपास यहाँ पे आएंगे, तो मैं इतने पराठे बना देती हूँ और उनके लिए पैक कर देती हूँ 3 या 4 पराठे, क्योंकि उन्होंने कर दी थी मना, लेकिन फिर भी मैं बना देती हूँ, मन करेगा तो खा लेंगे क्योंकि भूख तो लगेगी ना रात को।
बात तो सही है। बन गए हैं पराठे पनीर के, करारे करारे। हे गाइस गुड इवनिंग। तो गाइस आज मेरी जर्नी चालू होती है अयोध्या के धाम की, अयोध्या जाने की, श्री राम जी के दर्शन करने जा रहे हैं हम। क्या तो गाइस ये जो मोमेंट है ना, ये अलग ही टाइप की मोमेंट है, ठीक है। जो फीलिंग है अलग ही फीलिंग है, मैं बता नहीं सकता। मैं बहुत टाइम से सोच रहा था अयोध्या जाने के, लेकिन आज वो सपना पूरा होगा। अयोध्या जाके हम श्री राम जी के दर्शन करेंगे। और तो गाइस अभी देखो मेरी पैकिंग हो गई है, मेरा बैग ये देखो मैंने पैक कर लिया है। तो गाइज बैग लोडेड है, दोनों बैग लोडेड है, उसमें सामान है, इसमें थोड़ी सी एसेसरीज है। तो गाइज चलते हैं और अपनी कैब वैब बुक करेंगे अभी अपना, और अभी कीवी से जाके मिलेंगे, ठीक है। एक्चुअल में ना कीवी दो तीन दिन से मेरे पीछे पड़ा हुआ है कि डैडी मैं भी साथ में चलूंगा, मैं भी साथ में चलूंगा। तो चलते हैं गाइज कीवी से मिलते हैं और देखते हैं रिएक्शन कैसा रिएक्ट करता है वो, और टाटा बाबा करके आते हैं उनको, फिर चलेंगे धाम के लिए। चल तो गाइज चलते हैं। चलो जी चलते हैं श्री राम जी के दर्शन करके आते हैं। तो जोर से बोलो जय श्री राम। हेलो हेलो जी। हेलो 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 मैं नमस्ते। जय श्री राम। चलो जी चलता हूँ मैं, जो सामान तुम्हें देना दे दो फटाफट, दो मिनट में। जय श्री राम। जय श्री राम। ठीक है ओके जी। मैंने पनीर के पराठे बनाए हैं इसमें, और मेरे लंच बॉक्स से रखा क्योंकि आपके बैग में ना स्पेस नहीं होगा, इसलिए मैंने इसमें रैप कर दिया। ठीक है एडजस्ट कर लो कहीं। ठीक है चलो जय श्री राम मिलते हैं। चलो ही चलते हैं। ओके बाय, थैंक यू, बाय, थैंक यू, बाय। चलो जी अपने भाई आ गए हैं सारे। जय श्री राम। चले जी चले, कराएंगे अयोध्या जी के दर्शन, राम जी के दर्शन कल। चलो जी आ गई अपनी कैब। हाँ जी आ जाओ, कैब आ गई अपनी। ये देखो दो दिन के लिए आए हम, दो दिन के लिए देखो बैग देखो कितने बड़े बड़े हैं, पूरे हफ्ते भर के कपड़े भर के लेके आए। कितने बड़े बैग में क्या लेके आए हो? इसमें एक पैर के मोजे हैं, उसमें दूसरे पैर के मोजे। 11:10 हो गए हैं तो गाइस पहुंच गए हम रेलवे स्टेशन, और 6 नंबर प्लेटफॉर्म के लिए अभी देखते हैं कहां से जाएंगे। आ गए हम अयोध्या ट्रेन के पास, ये देखो आस्था स्पेशल ट्रेन। और गाइस यहाँ पे जय श्री राम के नारे लग रहे हैं यहाँ पे जोरों जोरों से। सारे अयोध्या जाने वाले हैं, पूरी ट्रेन, ये वाली ट्रेन अयोध्या जाएगी पूरी भर के। गाइस आ गए हैं अपनी ट्रेन के पास, और अभी देखो बिल्कुल नई ट्रेन है चमचमाती हुई। चलते हैं अंदर, ट्रेन तो बहुत चमचमाती हुई है, नीट एंड क्लीन ट्रेन। ओए देखो गाइस यहाँ पे रजिस्ट्रेशन पहले ही आते हैं। तेरा भी मेरे गले में है। कोई बात नहीं, एक ही बात है गाइस। भैया ने देखो मेरा भी रजिस्ट्रेशन पहले है, कह रहे कि तेरे भी दर्शन मैं कर लूंगा। दोनों सब का दर्शन मैं करूंगा, आधे घंटे बाद के जंगल में उतर लेना सबको। सारे के सारे श्रद्धालु से ट्रेन भर चुकी है ये अभी फिलहाल, और अपने साथ ही ये खड़े सारे। तो गाइस यहाँ पे तिवारी जी आए थे सबको देखने के लिए कि सही व्यवस्था हो रही है नहीं हो रही ट्रेन की। चलो जी चलती अपनी ट्रेन। गाइस कीवी पिछले घर पे हैं, तो आज के ब्लॉग मैं ही एंड कर देता हूँ, और ट्रेन से लाइव ट्रेन से गाइस मैं जा रहा हूँ अयोध्या, आपको बताइए। तो गाइस अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। सो जाओ, बाय बाय।